2013 मैं मानता हूं मेरी क्रिकेटिंग करियर का सबसे डार्केस्ट फेज था। उसके पहले जो मैं सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड मैंने लाइफ में फील किया था, दैट वाज 2007 का जब 50 ओवर वर्ल्ड कप था, जब हम हार के आए थे। बट 2013 बहुत ही अलग था। 2007 में वट एवर सेड एंड डन हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली थी, बट 2013 में एंगल पूरा ही अलग था। हम स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग की बात करते हैं। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडिया दैट वॉज गोइंग ऑन। पूरा देश बस इसी की बात कर रहा था। अगर हम उस वक्त की बात करें तो ऐसा लगता था मानो जैसे पूरा मीडिया हम पर टूट पड़ा था। इस खबर को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था जैसे इंडिया किसी के साथ वॉर करने वाला है। उस वक्त मैं कोडाईकनाल में था। हर साल मैं वहाँ मई में गोल्फ खेलने जाता हूँ। गोल्फ एक दूसरा खेल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उस वक्त मैं कोडाईकनाल में ही था जब ये खबर आई। आईपीएल के 10 साल का सबसे बड़ा पर्दाफाश, आईपीएल 10 में फिक्सिंग पर बहुत बड़ा खुलासा। अभी हमने दिल्ली में मुंबई को क्वालिफाइंग मैच में हराया था। पूरी टीम बहुत खुश थी क्योंकि हमें जीतने का एक और मौका मिलने वाला था। फिर मैं स्टीफन फ्लेमिंग से मिला। मैंने उसे कहा, हे फ्लेमिंग, कैसे हो, क्या चल रहा है? तो उसने कहा, तुमने न्यूज नहीं देखा? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विंदू दारा सिंह को गिरफ्तार करके ले जा रही है मुंबई पुलिस। मैच के दौरान सटोरियो के साथ बैटिंग करते हुए विंदू के फोन कॉल रिकॉर्ड भी। एक होता है ना कि बिलीव नहीं होता कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है, इतने हमारे टीम में सब लोग प्रॉपर वे में, पॉजिटिव वे में काम करने वाले, खेलने वाले, सब वही एनवायरनमेंट रहता था हमारी टीम में। प्लेयर तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट था। हम लोग को मैच खेलना था, फाइनल था, कलकत्ता में थे हम लोग, तो काफी मतलब शॉकिंग था हमारे लिए। क्या आईपीएल में ऐसा हो सकता है, इसका अंदाजा कुछ था, लेकिन सीएसके होगा ये बहुत मानना बहुत मुश्किल था। लीग की सबसे पॉपुलर टीम, शायद सबसे बड़ी टीम, जिसके पास सब कुछ है, टूर्नामेंट के टाइटल्स है, बेस्ट प्लेयर्स है, शायद बेस्ट ब्रांड इक्विटी थी, ऐसा लग रहा था कि इस टीम को रोकना मुश्किल है, और सडनली जो है एक बम जैसा फट गया। फिक्सिंग और सट्टेबाजी को लेकर श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन और विंदू दारा सिंह का नाम सामने आया। आग तो उनके बैकयार्ड में ही लग गई श्रीनिवासन के। आप कह सकते हैं कि भाई कहीं और आग लगी तो मैं भी जा रहा हूँ बुझाने के लिए, तो आपके घर में ही लग गई जब आपके सन इन लॉ जो है वो इन्वॉल्व हो गए। इनिशियली जब गुरु का नाम आया था, यू नो व्हाट एवर सेड एंड डन, ही वाज पार्ट ऑफ द टीम। इन व्हाट कैपेसिटी, दैट इज डिबेटेबल। यू नो ओनर थे, टीम प्रिंसिपल थे, टीम मोटिवेटर थे, क्या थे एग्जैक्टली, बिकॉज नोबडी, आई डोंट थिंक एनीबडी फ्रॉम द फ्रेंचाइजी साइड इंट्रोड्यूस्ड गुरु टू द टीम एज यू नो ही इज द ओनर। वी ऑल न्यू हिम एज द सन इन लॉ। टीम इंडिया कप्तान धोनी के ऊपर स्पॉट फिक्सिंग की जांच में सवाल उठने लगे हैं। फिक्सिंग की जांच करने वाली मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कुछ बुकीज ने धोनी का नाम भी लिया था। नाम तो मेरा भी उछला था। दे ड्रैग मी इनटू मैच फिक्सिंग। दे स्टार्टेड शोकेसिंग इन द मीडिया एंड इन द सोशल मीडिया एज इफ द टीम वॉज इन्वॉल्व, यू नो आई पर्सनली वॉज इन्वॉल्व। उनका एक किरदार रहा था, जो एक स्टेटस था, जो उनका फिगर था कि यू नो इज अबव ऑल दिस, बड़े ही ग्राउंडेड है, बड़े ये है वगैरह वगैरह, ये सब क्या ये भी चक्रव्यूह में आ गए हैं इस चीज, इन चीजों में क्या ये भी इन्वॉल्व है? बाकी सब प्लेयर्स की तो बात आप छोड़ें, या धोनी बिकेम द सेंट्रल टॉकिंग पॉइंट, जो आप कह सकते हैं किसी चीज का एक कॉन्शियंस होता है, वो धोनी सीएसके का कॉन्शियंस था। और अगर कॉन्शियंस पे छींटे पड़ रहे हैं या आंच आ रही है, तो बाकी के बारे में तो आप फिर कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। स्पॉट फिक्सिंग कोई भी कर सकता है, अंपायर्स भी कर सकते हैं, बैट्समैन भी कर सकता है, बॉलर्स भी कर सकते हैं, पर मैच फिक्सिंग के लिए मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स चाहिए। कुछ ही देर में शुरू होने वाला है युद्ध मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। एक टीम की तरह हमने डिसाइड किया कि बाकी की बेकार चीजों को हम दूर हटा के बस अपने खेल पर ध्यान देंगे और बाकी चीजों से बाद में निपटा जाएगा। हम लोग मैच के लिए निकल रहे थे और माही भाई ने एक चीज बोली थी हर्डल बना के, कि जो गलत करेगा वो भरेगा।
तो और जबरदस्ती सोचने की जरूरत नहीं है किसी को भी। आप यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, आप क्रिकेट पे ध्यान दें। और अननेसेसरी मुझे ये सुनने को ना मिले कि किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से हमारा क्रिकेट नीचे गिरा है, हमारा क्रिकेट खराब हुआ। पहला चौका रोहित के बल्ले। मुंबई जैसी टीम के खिलाफ यू हैव टू बी एट योर बेस्ट। जिस तरीके का विकेट था, हमने टॉस जीत के भी बोल्ड फर्स्ट। आई डोंट थिंक हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की एंड फिर हमारी बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं हुई। खेल पूरी तरह से मुंबई की पकड़ में है। पछाड़ दिया है यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को। जब फैमिली में कोई सीख है या जिसको प्यार करते हैं वो सीखे एंड देन यू हैव टू गो फॉर सम इवेंट और समथिंग, यू कांट गिव इट योर 100%। सच ये है कि हमारी परफॉर्मेंस खराब रही और पूरी टीम निराश थी, तो हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। हमने सोचा कि हम शांति से ही अपने टीम रूम में कुछ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कोई मन से खुश नहीं था। The problem when people think that you are very strong is more often than not, nobody comes and asks you how are you doing. It was more of how I dealt with it. I didn't want to talk about the topic to others. And at the same time, you know, it was scratching me. I don't want anything to affect my cricket. You know, for me, cricket is the most important thing. कैप्टन कूल सिंटिलेटिंग नॉक। धोनी का उरुज तक चढ़ने का टाइम था। 2007 में वर्ल्ड T20 उन्होंने जीता, IPL का दौरा आया, उसके बाद 2011 में हम जानते हैं कि वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। तो वो चार साल का पीरियड है, इट एक्चुअली टोटली बिलोंग टू महेंद्र सिंह धोनी, ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट में लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में। धोनी जैसा प्लेयर कई जनरेशन में एक बार होता है। जैसे वो खेलते हैं वो गजब है। उनके बाजुओं में जो ताकत है वो आपको अमूमन दूसरे प्लेयर्स में नहीं देखने को मिलती। मैं तो यही कहूंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ही खुशनसीब है कि उन्हें शुरुआत से ही धोनी जैसा कैप्टन मिला। किसी को नहीं पता था कि ये जोड़ी बनेगी। आई थिंक इट वॉज मैरिज फ्रॉम अ मैट्रिमोनी साइट, वैसा था, यू नो, अरेंज मैरिज टाइप का था। धोनी का नाम अनाउंस होते ही पूरा चेन्नई जैसे जश्न के माहौल में बदल गया था। लोगों ने उन पर प्यार बरसाया और धोनी ने भी। वो अपने लंबे लंबे बालों के साथ चेन्नई में मोटरसाइकिल चला रहे थे, कुछ नया था। स्टेडियम्स में से बस एक ही आवाज आती थी, थलाइवा धोनी, थलाइवा धोनी आ गया। बस धोनी जैसा कोई नहीं है, न सिर्फ चेन्नई के लिए बल्कि पूरे इंडिया के लिए। धोनी कल्ट एक अलग ही चीज है। धोनी को अपने पैड और हेलमेट पहनकर ग्राउंड पे आते देखना अपने आप में एक खुशी की बात है। एक पॉइंट पर आकर धोनी ग्राउंड के बीच में आते हैं, अपना हेलमेट निकालते हैं, तो ऐसा लगता है कि बॉलर से कह रहे हैं कि बॉल डालो फिर देखो कैसे मारता हूँ। कैप्टन धोनी जब तैयार होके ग्राउंड पर आके अपना हेलमेट निकाल के अपना चेहरा दोनों कंधों पर ऐसे रब करते हैं और उसके बाद हेलमेट पहनकर अपनी आंखें जरा ब्लिंक करते हैं और चारों तरफ देख के फील्डिंग स्टेटस का अनुमान लगाते हैं अपने ही तरीके से। धोनी को ऐसे देखकर लगता है कि हाँ, अपना अपना कोई खेल रहा है क्रीज पर। वैसे देखा जाए तो इंडियन टीम के सारे कैप्टन सचमुच बहुत ग्रेट हैं, पर धोनी इन सब से ग्रेट है और बहुत ही स्पेशल है। हमारे घर में सारे पूछते हैं कि धोनी में ऐसा क्या है जो तुम इतनी खुश हो। ऐसे सारे पूछते हैं तो मैं बस एक ही बात बोलती हूँ, धोनी पर विश्वास कीजिए। इतना बोलकर मैं निकल जाती हूँ बस। सबसे बड़ी बात जो थी धोनी के बारे में, और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया, और वो था जिगर। जिस तरह से वो छक्का लगा के मैच जीते, और IPL में तो अनेक ऐसे सिचुएशंस आए जब ऐसे लग रहा था कि टीम हार जाएगी एंड फिर सडनली धोनी जो है वो पूरी कहानी में एक ट्विस्ट लेके आके मैच जिता रहे हैं। तो एक तरह से कल्ट फिगर जो है वहां से पैदा हुआ धोनी का आना, और यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स का उभरना और इन दोनों का जुड़ना। मतलब ऐसा लगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। अगर हम सचिन तेंदुलकर का रैंक और उनकी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए बात करें तो उनसे बढ़कर कोई नहीं है।
लेकिन इन सब के बीच रांची से एक लड़का आता है जिसका बहुत ही लिमिटेड प्रोफाइल है, लेकिन वो इंडिया के लोगों से जुड़ जाता है। उनके कैरेक्टर में कोई दाग नहीं था, उनकी शुरुआत बहुत ही आम थी, लेकिन उनके स्पिरिट में कोई बात थी जिसे देखकर सब कहते हैं कि ये हम जैसा है, लेकिन ये है सुपरस्टार। व्हाटएवर आई एम टुडे, मुझे जो कुछ भी आज की डेट में मिला है, इट्स बिकॉज ऑफ क्रिकेट। सो द बिगेस्ट क्राइम दैट आई कैन कमिट पर्सनली इज नॉट अ मर्डर, इट्स एक्चुअली मैच फिक्सिंग, फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि इट डजंट गेट रेस्ट्रिक्टेड टू मी। अगर मैं ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व होऊंगा, इट हैज अ बिगर इम्पैक्ट। कल को कोई भी ऐसा मैच होगा, जैसे क्रिकेट में काफी ऐसे मैचेस हुए हैं जो आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता है, एंड द प्रॉब्लम इज लोगों का फिर क्रिकेट से मन हट जाता है, दे स्टार्ट सेइंग अरे यार मैच फिक्स होगा। आई डोंट थिंक इन माई लाइफ आई वुड डील विथ एनीथिंग दैट गेट्स टफर देन दिस। मुझे आपसे पूछना था कि इंडियन क्रिकेट में सन 2000 से लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी चुनौती है, और इंडियन कप्तान होने के नाते आपने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, आप कब इस पर कुछ कहेंगे, हम सब जानना चाहते हैं। What makes it even more tough is, as the captain, you keep going to different press conferences, and there's no line that is drawn saying that was IPL, right now this is the Indian cricket team. It's not easy to keep performing at the top level. You're playing some of the best oppositions. This is also playing in your mind. So 10 years down the line, nobody will remember what the press conference what was asked. They'll only remember, okay, this game happened at this point of time. What did India do? You know, how did the team do? The sequence of events, jis tarike se events hue the, I knew ek harsh punishment is on the line. I think we did deserve a punishment. You know, the only thing is the quantum of the punishment. Please, quiet, please. Honorable Supreme Court mein jo findings record ki gayi hai, uske mutabik, committee प्रपोज कर रही है कि इंडिया सीमेंट की फ्रेंचाइजी पर सैंक्शन इम्पोज किया जाए। ये कमिटी इंडिया सीमेंट पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाती है। फाइनली वी गेट टू नो, अच्छा यू नो सीएसके विल बी बैंड फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। उस समय एक मिक्स्ड फीलिंग थी, क्योंकि अ लॉट ऑफ इट यू टेक पर्सनली ऑल्सो, क्योंकि जब आप एक कैप्टन होते हैं और जब आप राइट फ्रॉम द स्टार्ट व्हेन यू आर लीडिंग द टीम, सो काफी बार दिमाग में ऐसी चीजें भी आती हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द टीम डिड रॉन्ग। ठीक है, हमारे तरफ से गलत हुआ, बट क्या इसमें टीम मेंबर्स इन्वॉल्व थे, क्या इसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, हमने क्या ऐसी गलती की दैट वी हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट। धोनी को क्रिकेट से प्यार है, इस गेम को नर्चर करना, लोगों को इसके लिए गाइड करना, ये एमएस धोनी की फिलॉसफी है, और इसी के बलबूते पर धोनी आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे नहीं लगता कि धोनी के अलावा कोई ये कर सकता है, शायद विराट कोहली वो है जो शायद वहाँ तक पहुँच सकता है, और ये दोनों ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि शायद इन दोनों की नींव बहुत ही मजबूत है, इनका क्रिकेट सेंस कमाल का है, इन्हें परिवार और समाज की चिंता है, टैलेंट वो तो इनमें है ही, और वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इनके लोग जो इन पर विश्वास रखते हैं और ये सोचते हैं कि हर छोटी चीज एक दिन बड़ी बनेगी। आज एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका है जिसे आप कह सकते हैं कि एमएस धोनी का एम्पायर है, और एमएस धोनी सच में उसके हकदार हैं, लेकिन सब बस एक गलती को लेकर बैठे हैं जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं है, इस बात का कोई सबूत ही नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि ये मनगढ़ंत है। बात आई कि 2 साल बैन, सीएसके को बैन हुआ और वो नहीं खेलने वाली है, जो येलो जर्सी है वो ग्राउंड पे दिखेगी नहीं, तो सुनना एक वो अलग बात है और प्रैक्टिकली टीम नहीं होना उधर वो एक अलग बात है।
जब बैन की खबर मिली तो हमें बहुत दुख हुआ कि हम अपने कैप्टन को नहीं देख पाएंगे। वो येलो कलर की जर्सी जो पूरे स्टेडियम में जगमगाती थी वो अब नहीं दिखेगी। ये बहुत दुख की बात थी। जब बैन की खबर हमने सुनी तो ऐसा लगा कि जैसे कोई अपने परिवार से, अपने खून का रिश्ता होने वाला कोई हमेशा के लिए चला गया है। मतलब मेरे आंखों में तो आंसू थे जब ये खबर मैंने सुनी, जैसे अपना कोई हमेशा के लिए बिछड़ गया हो। उस दो साल की बैन में मैंने किसी टीम को सपोर्ट नहीं किया। मैंने टीवी नहीं देखा, मैंने कोई मैच नहीं देखा। मेरे लिए आईपीएल का मतलब है सीएसके। उन दो सालों में जब मैं दूर थी सबसे आईपीएल से, तब मुझे पता नहीं कि कौन किससे खेल रहा है, कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनका क्या नाम है। मुझे इन सबसे कुछ लेना देना नहीं था। वो दो साल जब हम नहीं खेल रहे थे वो फैंस के लिए सबसे मुश्किल थे, और जब बैन लगा तो लॉजिकली तो यही माना जाएगा कि धीरे धीरे आपके फैंस कम होते जाएंगे, राइट? आवर फैन फॉलोइंग ओनली इंक्रीज्ड इन दोस टू इयर्स। जो दो साल हम नहीं थे, देयर वाज अ लॉट ऑफ मेंशंस अबाउट सीएसके इन द सोशल मीडिया। दे केप्ट सेइंग वी वांट सीएसके बैक। फैंस के तौर पर हमने सोचा कि हम सबको इकट्ठा होकर कुछ करना चाहिए। तब चेन्नई में हमने शुरू किया सेव सीएसके कैंपेन, और क्रिकेट के गेम के लिए मैंने सोचा नहीं था कि मेरे जैसा एक फैन लोगों को बुलाएगा तो ज्यादा लोग आएंगे। ज्यादा से ज्यादा 500,000 ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। सेव सीएसके कैंपेन के लिए तकरीबन 13,000 लोग आए थे, और तब मुझे पता चला कि सीएसके के साथ लोग कितने, मतलब पूरे दिल से जुड़े हुए हैं सीएसके के साथ। एक्चुअली उस बैन के बाद ही हम बहुत स्ट्रांग हुए हैं। जिस तरह हमारा कैप्टन दो साल तक राह देख रहा था, उसी तरह हम लोग भी राह देख रहे थे। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। हमें जिस तरीके का रिस्पेक्ट चेन्नई के फैन से मिला है, जिस तरीके का प्यार उनसे मिला है, दैट इज इक्विवेलेंट टू हाउ दे ट्रीट गॉड। क्रिकेटर की हैसियत से हमने अपने फैन से भी काफी कुछ सीखा है, यू नो हाउ टू सपोर्ट। जब आप खराब भी कर रहे हो तो किस तरीके से इंडिविजुअल का सपोर्ट करना चाहिए या टीम का सपोर्ट करना चाहिए। 15th of July 2017 वो दिन था जब सीएसके पर लगा दो साल का बैन हट गया था। मुझे नहीं लगता है किसी ने कभी ये सोचा होगा कि सीएसके वापस आएगी, रिटेनरशिप होगा तो पहला प्लेयर कौन होगा या पहले तीन प्लेयर कौन होंगे। आई थिंक सबको पता था कि पहले तीन प्लेयर या पहला प्लेयर कौन होगा। हम दो साल के बाद आ रहे थे वापस, एक्साइटमेंट बहुत था क्योंकि वही येलो जर्सी वापस पहननी थी, और जो हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए थे उनके लिए भी एक जवाब था कि सीएसके इज बैक। चेन्नई सुपर किंग्स का बोर्ड खुशी थी उस टाइम जब सर ने बोला कि वी आर गोइंग टू रिटेन यू, यू आर गोइंग टू प्ले फॉर चेन्नई, तो हमें तो चेन्नई से ही खेलना था। वो आईपीएल में सीएसके के कमबैक के बाद शायद 2018 में मैंने इतने स्टेटस डाले हैं जो देखकर मेरे सारे फ्रेंड्स ने उनके लिस्ट में मुझे ब्लॉक ही कर दिया। जब सीएसके की टीम वापस आई तब मैं आपको बता नहीं सकती कि माहौल कैसा था। हम सब चेन्नई में जश्न मना रहे थे। अपनी टीम को वापस आते देख ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली हो। हमने पटाखों से उनका स्वागत किया। द मोमेंट सीएसके गॉट रीइंस्टॉल्ड, हमारे जितने भी स्लॉट्स थे सीएसके में, एवरीथिंग गॉट सोल्ड। दैट मींस द स्पॉन्सर्स आल्सो बिलीव्ड इन सीएसके। You only get a few players retainership में, उसके बाद वापस आपको टीम बनानी पड़ती है। And I think once all of that was announced, from that point it was a task, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, कौन कितने पैसे में जाएगा, किटी कितना है। So ये सारी calculations start हो गई थी, and I think we started quite early. See, Rahane, Samson, KL Rahul. The more lefty doesn't matter. Yeah. More righty should be there. Should be there. All of them, we should look at not more than 5 to 6 crores to begin with. On a slower wicket, Faf is better because he can give us more use compared to Brendan. जब ऑक्शन हो रहा था तो
सर लोग इनपुट लेते हैं। मैं डोमेस्टिक भी खेला था पूरे सीजन, तो मैंने बताया था कुछ प्लेयर अच्छे हैं, उन्होंने वो चीज देखी भी कि उनकी टीम मैनेजमेंट जो हमारा पूरा है वो ऑक्शन में काफी मुश्किल हो जाता है जब आपके पर्क्स कम है, पैसे आपको सही तरीके से यूटिलाइज करने हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इनपुट्स दिए जाते हैं, 2-3 महीने पहले से तैयारी होती है किस प्लेयर के बारे में क्या सोच रहे हैं। If you're looking to be in this business, it's not only important that you do well in this auction. What are the shortcomings? ऑक्शन में बड़ा मैटर करता है कि आपका जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से टीम में फिल करते हैं प्लेयर्स, क्योंकि क्या रिक्वायरमेंट है, बॉलर चाहिए, लेफ्ट आर्म चाहिए, फास्ट बॉलर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, कि ऑलरेडी सारा सेटल है टीम में। इंटरेस्टिंग चीज ये थी, पहली मीटिंग के बाद जब दूसरी मीटिंग हुई तो लिस्ट में काफी चेंजेस आए, फिर एक तीसरी लिस्ट बनी उसमें काफी चेंजेस आए, सो फर्स्ट से जो तीसरी लिस्ट थी उसमें काफी चेंजेस आ गए थे, और फाइनली जब ऑक्शन हुआ तो उसमें 3-4 ऐसे प्लेयर थे जो पहले लिस्ट में या सेकेंड या इवन थर्ड लिस्ट के पार्टी नहीं थे। Ladies and gentlemen, and welcome to the Vivo IPL player auction. It's Shane Watson. Bid on to Shane Watson, 10, 110, 20, 30, 40, 50, 60. मुझे उम्मीद नहीं थी कि CSK मुझ में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। करियर के स्टेज पर मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह से मैं बस इस IPL को खेल पाऊं। CSK और राजस्थान, ये दोनों टीम्स बहुत बड़े राइवल्स हैं। मुझे CSK ने लिया तो ये राजस्थान का बहुत बड़ा लॉस है, और मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि CSK मुझ में इंटरेस्टेड होगी, पर मेरे लिए ये एक लकी ब्रेक। नेक्स्ट प्लेयर अप, इट्स द वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर, दिस इज ड्वेन ब्रावो। हमारी वापसी कुछ स्पेशल होनी चाहिए थी, मतलब 2 साल बाद हम लौट रहे थे, इतना सक्सेस पाने के बाद अब हम वापस आ रहे थे, और फिर मुझे ये मौका मिला है तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। किंग्स 11 इन 200 40। हमारे पास जो राइट टू मैच का ऑप्शन था, हमें उसका समझदारी से इस्तेमाल करना था। हम उसे इस्तेमाल कर सकते थे एंड्रू के लिए या फैब डुप्लेसी के लिए या ब्रावो के लिए भी। And I looked at Chen, I said, would you like to exercise the option to retain the player at that price? You will. The Chennai Super Kings will retain Dwayne Bravo at 640 lakh. जब CSK ने अपना right to match card use किया 1 million के लिए, तो wow. Chennai Super Kings have managed to retain quite a bit of their core, but it comes with like, you know, one of those asterisks, whether age might just be a factor. पहले ऑक्शन में टीम के बारे में बोलने लगे कि बूढ़े हैं, खेल नहीं पाएंगे, जवान लड़की नहीं लिए, थोड़ा बहुत आपस में ही प्लेयर जो अबे तुझे तो बूढ़ा बोल दिया या कुछ कह दिया। हमारी टीम में 2-3 ऐसे गुस्सेल हैं जो दे वॉन्ट टू रिप्लाई बैक, तो नहीं यार क्यों करना रिप्लाई इसको। ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो जब 2018 में आई थी, उनका नाम दिया गया था डैड जामी, कि भाई पता नहीं इतने सब बुजुर्गों को ले लिया है, ये क्या कर रहे हैं, कुछ कर पाएंगे या नहीं। रैंकिंग्स क्या है, SRH नंबर 1 पर, 4 पर मुंबई इंडियंस, 7 पर CSK। और जब इस बारे में फीडबैक आने लगा तब तक मैंने भी इस बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन फिर जब लोगों के कमेंट्स आने लगे तो एक बार मुझे भी लगा कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। पहले तो मैंने भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट लेटर आई रियलाइज इट्स अ फैक्ट। When finally we got along and all the families were there, I don't know how many of us were traveling, you know, I think we were like 45-50 of us traveling, just the family, along with the kids. Yaar, tum 35 saal ka average age, 34 saal ka average age leke kahan se jeetoge IPL? It's a young man's game. We were seniors and it was a dad's team. Ab sawal ye tha ki CSK ne jin players ke upar apna confidence dikhaya tha, क्या वे उनकी उम्मीदों में खरे उतर पाएंगे। When finally this event happened, it was a big video.